उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं। दरअसल एक शादीशुदा महिला प्रेमी से शादी की अर्जी को लेकर थाने पहुंची और सीओ के सामने हंगामा करने लगी। इस दौरान महिला ने कुर्सियां पटकी, मोबाइल तोड़ा और जमीन पर लोटपोट होकर चीखने लगी। मौके पर महिला के साथ मौजूद परिजनों ने बहुत मुश्किल से महिला को संभाला और घर लेकर गए। महिला ने बताया कि 18 फरवरी 2022 को उसकी शादी बसेरा गांव के रहने वाले अनिल शर्मा नाम के शख्स से हुई थी, लेकिन महिला इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो गुड्डू नाम के शख्स से प्रेम करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। ये सारी बात सीओ से बताने के बाद महिला थाने में उत्पात मचाने लगी। इस दौरान दो महिला कांस्टेबल ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया। एक महिला कांस्टेबल तो महिला को काबू करते करते वहीं जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी वह महिला को काबू कर केबिन में ले गई, जिसके बाद महिला थोड़ी शांत हुई। वहीं सीओ ने महिला की इस हरकत को देखकर कहा कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसे मायके और ससुराल पक्ष वालों के हवाले कर दिया गया है। वहीं महिला की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।